रतन सूत्र नंबर 12 या महामच्चो विजय सूत्र या महामारी पर विजय का सूत्र या महामच्युंजय विजय सूत्र या महामृत्युंजय विजय सूत्र नंबर 12। किंचापि सो कम करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा ए भब्बो सो तस्य पटिच्छा दाय ए भब्बता दिट पदस्य वुत्ता इदंपि संघे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। किंचापि सो कम करोति पापकम्। किंचापि माने हैं, किंच माने होता है कुछ और अपि माने होता है भी। सो माने वह और कम माने कार्य, करोति माने करता है और पाप कर्म यानी कि चाहे जो भी वह कोई पाप कर्म करे, कौन करे? सोतापन, यानी कि जो सोतापन है इस कथा में बाद में आता है, अगर कोई सोतापन भी है चाहे वो कोई भी पाप कर्म करे। कायेन वाचा उद चेतसा वा, काया से, कायन का मतलब काया के द्वारा या वाया के द्वारा यानी शरीर से करे, हाथ पैरों से करे, किसी को डंडा मारे या चाकू मारे या पिटाई करे, या वा से करे, गाली बके या कठोर बोले या कुछ अपशब्द बोले, या चेतसा या मन से करे यानी कि मन में वो लेके आए कि मैं इस नारी के साथ व्यभिचार करूंगा या ये वाला खाऊंगा या ये पीऊंगा या इतना करूंगा, मन में भी अगर बात लेके आए। ए भब्बो सो तस्से पटिच्छा दाय, ए भब्बो माने होता है अयोग्य या अनुपयुक्त, यानी कि वो ए भब्बो माने है उपयुक्त और ए भब्बो माने है अउपयुक्त। सो माने वह, तस्से माने उसका या उसके, और पटिच्छा दाय माने होता है छिपाना या ढकना, यानी कि ए भब्बो है अनुपयुक्त है यानी कि वो इसको इनेबल है यानी कि इसको छुपा नहीं पाएगा, उसमें वो असमर्थ है। किसको नहीं छुपा पाएगा? जो पाप कर्म उसने किया है, जो सोतापन्न हो चुका है। ए भब्बता दिट दस्य वुत्ता, ए भब्बता माने होता है उसके लिए अनुपयुक्त है यानी कि वो अनेबल है। दिट पदस्य, जो इस पद पर है, जो देख चुका है। दिट पदस्य का मतलब है जो पद के लिए है, देखने के पद के लिए है, देख पद चुका है यानी कि जिसने देखना सीख लिया है, धम्म को जानना सीख लिया है, वो सोतापन्न की स्टेज आती है यानी देखना सीख रहा है, तीन चीजों से निकल चुका है, अब वो देखना जान गया है। तो ऐसा व्यक्ति वुत्ता माने कहा गया है, बताया गया है, जो बात इसकी कही गई है यानी कि सोतापन्न व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करता है तो वो किसी भी हालत में इसको छुपा नहीं सकता। वो जो पाप कर्म है चाहे वो वाणी से करे या कर्म से करे या मन के अंदर भी करे, तो सोतापन इसको छुपा नहीं पकता, उसके शरीर से, उसकी वाणी से, उसके मन से, उसकी चाल ढाल से पता चल जाता है। ये बात संघ के रत्नों में बहुत अच्छी बात है, इसलिए इस बात से जो ये महामारी है उस महामारी से मुक्ति मिले, इस पॉजिटिव बात से सबका मन अच्छा हो, ये महामारी चली जाए और हम सब द्वारा से सुखी हो जाएं। इदंपि संघे रत्नं पणितं, इदंपि माने यह भी, संघे माने संघ में, रत्नं माने रत्न है, पणिति माने पणितं माने श्रेष्ठ, यह भी संघ में श्रेष्ठ रत्न है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सच्चे वचन से स्वास्थ्य हो, सबका मंगल हो, कल्याण हो। ये है रतन सूत्र नंबर 12। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
चाहूं।